हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे और मैं इंदौर जा रहा हूँ। अपनी ट्रिप जो है वो चालू हो गई है। पहले जाऊँगा मैं इंदौर और फिर इंदौर जाके बताऊँगा आगे कहाँ जाने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी जगह जाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर वापस, क्योंकि मैं अपना एक सामान भूल गया हूँ तो उसको लेने जा रहा हूँ। और मेरी जो ट्रेन थी इंदौर की, यहाँ से शांति एक्सप्रेस, वो छूट गई है, चली गई है। तो अभी मुझे वडोदरा जाके और वडोदरा से इंदौर की ट्रेन लेनी पड़ेगी, और रात को 12:30 बजे है वो। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर से अपना सामान लूँगा। तो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ वापस, मेरा सामान लेके जो रह गया था घर पे, स्टेशन पे आ गया हूँ। और अब चलते हैं यहाँ से वडोदरा, और वडोदरा से फिर चलेंगे इंदौर। ट्रिप थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये जो इंदौर पहुँचने का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे मैं 5:00 बजे पहुँच जाता शांति एक्सप्रेस से, लेकिन अब 8:00 बजे तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि वडोदरा से ट्रेन लेनी है। तो गाइस चलिए चलते हैं, अपनी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। बस मैं आ गया हूँ अभी वडोदरा, और अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से 4 नंबर से गाड़ी आएगी इंदौर। तो इंदौर की गाड़ी लेकर चलते हैं। ज़बरदस्त भीड़ है भाई, गाड़ी निकल गई है। तो गाइस मैं आ गया हूँ वडोदरा स्टेशन के बाहर, और भाई बाहर का देखो नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है। ये मेट्रो उसका बुलेट ट्रेन का पिल्लर है, हाँ यहीं से बुलेट ट्रेन जाएगी। छः नंबर पे बैठा हूँ अभी, यहाँ से गाड़ी है रतलाम के लिए वडोदरा से, और फिर रतलाम से दूसरी गाड़ी लेके फिर जाऊँगा इंदौर, क्योंकि अभी यहाँ से जो डायरेक्ट इंदौर की है ना, वो बहुत दूर से आ रही है, तो उसमें जगह मिलने के चांसेस बहुत कम है। आज की ट्रिप बहुत लफड़े वाली हो गई। चलते हैं, फिलहाल अपने सामने है मुंबई अमृतसर गोल्डन टेम्पल। देखो कोहरा, देखो कितना कोहरा है। भाई जबरदस्त ठंड है रतलाम में। अभी रतलाम पहुंचा हूं मैं, और सुबह के अभी 4:50 हो रही है, और अभी यहां से गाड़ी मिलेगी इंदौर के लिए। जबरदस्त ठंड है, यहां कुछ नहीं दिख रहा है। देखो भाई कितने मतलब कोहरा, कितना ये देखो कितना कोहरा है। देखो वो उस गाड़ी में मैं आया था वो चली गई, इधर देखो भाई। फाइनली गाइस उज्जैन आ गया है। उज्जैन आ गया भाई, उज्जैन देखो भाई कितना कोहरा है सामने। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं, पक्षी बैठे हैं देखो, ये उड़ते हैं तो जबरदस्त नज़ारा होता है। मजा तो यही ले रहे हैं भाई पूरा। तो भाई मैं हूँ अभी घर पे, जहाँ पे मुझे आना था इंदौर में पहुँच गया हूँ मैं। बहुत ठंड थी सुबह, और अभी शाम हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 बज रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज गए हो। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, और ठंड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। तो गाइस मौसम बहुत ही बेहतरीन है इंदौर का, और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। सुबह पहुंचा और पहुंच के फिर आराम किया, और अभी मैं छत पे हूँ। अभी निकलेंगे कहीं इंदौर घूमने, मतलब यहीं लटार मारने, एक्सप्लोर करने, थोड़ा आपको भी दिखाएंगे, और फिर 1-2 दिन में मैं यहाँ से निकलूँगा अयोध्या। हाँ गाइस बहुत ही प्यारी जगह है, और मेरा बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। भाई मैं निकला हूँ अभी बाहर, शाम को घर पर था, अभी बाहर निकला हूँ, और भाई ये है कुछ नज़ारे, बस ऐसे ही खा पी के टहलने निकला हूँ। तो भाई मैं आया हूँ अभी केसर दूध पीने, इंदौर में भाई बहुत बहुत फेमस केसर दूध है यहाँ का। देखो यार जबरदस्त, ये तो सही।
इतना मेरे से पिवाएगा ही नहीं। मलाई डाल दी भाई, तो वहां पे भी केसर दूध ही मिल रहा है नी। और राम मंदिर का अच्छा स्टे वो लगाया है ना अंशु, देख राम मंदिर, जय श्री राम। भंडारा था कब? कल। चावल आए अपने घर पे राम मंदिर के? चावल हाँ, तो गाइस मैं हूँ अभी इंदौर में, जैसा कि आपने ब्लॉग देखा। और गाइस मैं अब यहाँ से एक दो दिन में निकल जाऊंगा अयोध्या के लिए, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, श्री राम जन्मभूमि जाना है, अयोध्या जाना है। जैसा कि आपको पता है अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 16 तारीख से जो है वो सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो गाइस मैं भी अयोध्या जाऊंगा और मैं अभी इंदौर में हूँ, जैसा कि आपने ब्लॉग देखा। और मैं आया ही अयोध्या जाने के लिए हूँ, तो मैं इंदौर जो है उत्तरायण एक्सप्लोर करूंगा, उत्तरायण का जो त्यौहार है, और एक्सप्लोर करके फिर मैं निकलूंगा अयोध्या के लिए। तो 16 तारीख को हो सकता है मैं 16-17 को अयोध्या पहुंच जाऊं, और उसके बाद इनॉग्रेशन होने तक मैं वहीं रहूंगा और जो है वहां का जो भी एक्सप्लोर करूंगा, जो भी मैं देखूंगा वो अपने ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिए, फिलहाल इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। लेकिन अब जो ब्लॉग आएंगे वो बहुत ही जबरदस्त ब्लॉग रहेंगे, तो देखते रहिए गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।